हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए यहाँ पे हम बात करेंगे बजाज फाइनेंस, एसबीआई, नेस्ले इंडिया, डी मार्ट और एशियन पेंट्स जैसे शेयर की। ऑलरेडी मैं जो आपके लिए ये 100 स्टॉक्स को एक बार विजिट करके आपके इनकी डिटेल बता रहा हूँ, तो 10 शेयर हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, टॉप 10 शेयर्स। लेकिन अभी हम ये 5 और शेयर्स को कवर करेंगे और कोशिश करूंगा वीकेंड पे, सैटरडे संडे, मंडे को भी इंडिया में ऑफ है मार्केट का, तो उसको भी आपको बाकी के जो है शेयर्स भी कवर करने की कोशिश करेंगे, ताकि अगर आप कोई भी शेयर को खरीदें तो अगर आप शेयर्स खरीद रहे हो तो जानिए जरूर कि कितना मैक्सिमम गिरावट आ सकती है। देखिए, कोई नहीं जानता मार्केट कहाँ तक गिरेगी, स्टॉक कहाँ तक गिरेगा, लेकिन एक एक परसेप्शन होता है कि बड़े शेयर मैक्सिमम टू मैक्सिमम 50 से 66% तक की उनकी मैक्सिमम गिरावट आकी जाती है। अगर माना जाए कि वो पूरा का पूरा गिर चुका है, जिस तरीके से पूरे के पूरे, मतलब एक करेक्शन जो होता है वो 66% तक डीप जा सकता है। बट ऐसा जरूरी नहीं है, अगर आपको स्टॉक में हालात बहुत ही ज़्यादा खराब दिखे या फिर डेट बहुत ही ज़्यादा दिखे, तो या कुछ अलग से उसमें सिचुएशन चल रही है, जैसे कि अभी सिचुएशन है कि बहुत सारे बिजनेसेस ठप हो रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि वो 66% तक ही गिरेगा, वो और भी नीचे जा सकता है, वो नीचे जा सकता है, वो 90% तक भी गिर सकता है। और पास्ट में आपने बहुत सारे शेयर्स ऐसे देखे होंगे, तो बात करते हैं इन 5 शेयर्स की, क्योंकि ये 5 टॉप के शेयर हैं, इनका नीचे ज़्यादा गिरना मुश्किल है, इसलिए मैं टॉप 100 शेयर्स को यहाँ पे चूज करके आपको एक एक करके बता रहा हूँ। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूंगा, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, और टेक्निकल एनालिसिस अगर आपको सीखनी है तो ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पे क्लिक करके। बड़े बड़े नाम हम प्रीवियस वीडियोस में, रिलायंस, टीसीएस, हिंदुस्तान यूनिलीवर, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी, फिर इन्फोसिस, अभी लास्ट वीडियो जो क्रिएट किया था इन्फोसिस, भारती एयरटेल, कोटक महिंद्रा, आईटीसी, आईसीआईसीआई बैंक, इनको ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। और अब बारी है अगले 5 शेयर, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पब्लिक सेक्टर का सबसे जबरदस्त, नेस्ले इंडिया, और एक बड़ा नाम एफएमसीजी से, एशियन पेंट्स। देखिए, जैसे ही क्रूड ऑयल पॉजिटिव आया, एशियन पेंट्स की हालत खराब होने लगी, और क्रूड ऑयल पॉजिटिव आगे जा रहा है तो इसकी हालत और खराब होती रहेगी। डी मार्ट यानी कि एवेन्यू सुपर मार्ट, दमानी जी का ये शेयर, और बजाज फाइनेंस, फाइनेंस की दुनिया का बेताज बादशाह, अब इनकी बात करेंगे इस वीडियो में। चार्ट पे जाने से पहले मैं यहाँ पे नंबर्स आपको दिखा देता हूँ। देखिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का शेयर 175 तक आ चुका है। अगर मैं ओवरऑल इसका 52 वीक हाई जो अभी रिसेंटली इसने बनाया था 373 का, उसके हिसाब से देखूँ तो 53% की करेक्शन ऑलरेडी आ चुकी है, और अभी रिसेंट उसी करेक्शन के आसपास चल रहा है ये। तो मुझे लगता है कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम टू मैक्सिमम इस स्टॉक में अब ये रेंज में आ रहा है, और 50 से 70% तक की गिरावट में इसमें एक्सपेक्ट जो कर सकता हूँ, देखिए 50 तो ऑलरेडी हो चुकी है, और 15-20% की गिरावट, अगर 170 का अगर आप 20% मैक्सिमम लगाते हो तो 34 रुपया होता है, यानी कि करंट स्टेज से 130-140 की रेंज आपको देखने को मिल रही है एसबीआई में, और 130-140 की रेंज में कहूँगा, 150 की रेंज में भी आपके लिए ये आइडेंटिफाई करना बहुत ही बढ़िया होगा कि हाँ यार, बड़ा शेयर है, पब्लिक सेक्टर का टॉप का शेयर है, और काफी सस्ती, मतलब पीक से 70-70% तक के डिस्काउंट में मिल रहा है। चलिए भाई, लेकिन बैंकिंग सेक्टर की हालत खराब है, तो वो जरूर आपको देखना है। अभी टेक्निकल पे देखेंगे टेक्निकल क्या बता रहे हैं, और फिलहाल मैं कहूंगा कि 66-70% का करेक्शन काफी इंपॉर्टेंट इनके लिए रहने वाला है। नेस्ले इंडिया को इसकी करेक्शन भूल जाइए भाई, एफएमसीजी का जिस तरीके से लोग घरों में रह रहे हैं, मैगी खा रहे हैं, कॉफ़ी पी रहे हैं, तो भैया इनकी डिमांड तो बहुत ही तेजी है। एक टाइम था कि ये गिरा और 40% तक ये गिरा, लेकिन इतनी तेजी से वापस आया, 10% की ही गिरावट रह चुकी है अभी। बल्कि हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईटीसी, नेस्ले, ब्रिटानिया, इनकी खपत बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, और इन प्रोडक्ट्स में, इन शेयर्स में अगर कोई भी करेक्शन आता है तो एकदम बाइंग झपट्टे से लोग बढ़ रहे हैं और खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी चीज, एशियन पेंट्स। अब देखिए, लोग घरों में हैं, अब पेंट की दुनिया तो, दुकान तो बंद ही है, एसेंशियल आइटम तो पेंट है ही नहीं, तो भाई कंजम्पशन तो हो ही नहीं रहा, यानी कि रिवेन्यू प्रॉफिट सब ठप पड़ा है। उसके अलावा रॉ मटेरियल कॉस्ट जो क्रूड ऑयल के ऊपर इसका होता है, और क्रूड ऑयल भी जो आपका गिरा था तब ये शेयर चढ़ रहा था, लेकिन अब जो है क्रूड ऑयल चढ़ने लग गया तो ये शेयर गिरने लग गया। और जहाँ तक देखिए, अगर मैं कहूँगा आपको के लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त वैल्यू वाला शेयर है, अभी 32% तक की गिरावट आई है, 50% तक की गिरावट से ऊपर जाना, फिर एकुमुलेशन जोन आपका दिखता है कि 50% से ऊपर गिर चुका है, धीरे धीरे करके लोग खरीदेंगे तो फिर आपके लिए भी मौका बनेगा। बात करते हैं एवेन्यू सुपर मार्ट यानी कि डी मार्ट की। डी मार्ट नो डाउट बहुत बढ़िया शेयर है। इनिशियली आपने देखा डी मार्ट में स्टोर सारे बंद थे, लेकिन धीरे धीरे अब ये स्टोर ओपन होने लग गए हैं, और इसमें भी आप पॉजिटिविटी आपको देखने को मिल रही है डीमार्ट जैसे शेयर में। अभी अगर मैं देखूं यहाँ पे,
स्टॉक में। देखिए एक जो गिरावट है वो जरूरी नहीं है कि अभी की अभी डीमार्ट के शेयर में अगर आप देखो ये 52 वीक लो जो था वो 1225 का था, वो अभी का नहीं, वो पहले का, अभी जो थोड़ा बहुत गिरा था ये, लेकिन रिकवरी हो चुकी है यहाँ से इसकी। और अगर मैं बात करूँ बजाज फाइनेंस के शेयर की, बजाज फाइनेंस यानी कि बजाज फाइनेंस बेहतरीन शेयर माना जाता है फाइनेंस और बैंकिंग की दुनिया का। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखो ये स्टॉक अपने वही लो के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, 2200 की रेंज अभी है और 2100 के आसपास का इसने लो बनाया है, तो बिल्कुल आसपास ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, उसी लो के आसपास ट्रेड कर रहा है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि बजाज फाइनेंस के शेयर में 57% की गिरावट आ गई है, और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लगता है कि 10% की गिरावट में और एक्सपेक्ट यहाँ पे कर सकता हूँ। 10% किसका, देखिए यहाँ पे जो परसेंटेज कैलकुलेट हो रही है वो इनके पीक की हो रही है, यानी कि पीक 10% कितना है, ऑलमोस्ट 5000 का लेवल है। 5000 का 10% अगर मैं गिरावट एक्सपेक्ट करूँ तो 500 रुपये के आसपास होता है, यानी कि करंट लेवल से 1700 से 1800 की रेंज बजाज फाइनेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, 1700 से 1800 की रेंज। तो बायर्स यहाँ पे एक्टिव हो जाएंगे 1700 से 1800, तो भाई आप भी एक साथ नहीं, मिनिमम अमाउंट यहाँ पे मुझे लगता है कि 1700 से 1800 की रेंज काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। चार्ट पे चलते हैं, समझने की कोशिश करते हैं एक एक करके। एसबीआई से स्टार्ट करूंगा, देखिए आवरली चार्ट है एसबीआई का, और आवरली चार्ट पे आप देखिए एसबीआई बिल्कुल बॉटम पॉइंट पे खड़ा है। कई लोग कहते हैं देखिए मैं आपको बाइंग ऊपर के लिए भी, मतलब अप ट्रेंड के लिए भी, डाउन ट्रेंड के लिए, हमेशा बताता हूँ कि आप देखिए, देखिए ये लो बना, देखिए लोअर हाई बना, और इस पॉइंट को आप देख लीजिए जैसे ही लो टूटा उसके बाद किस तरीके से गिरावट आई है। देखिए लो टूटते ही देखिए शेयर में धड़ल्ले से गिरावट आई है और लोग यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग करके पैसा कमाते हैं बिल्कुल। और इसी तरीके के जो है व्यूज हम टेक्निकल एनालिसिस पे मेंबर्स को प्रैक्टिस करवाया करते हैं कि कहाँ पे वो शॉर्ट सेलिंग या फिर इंट्राडे में पॉजिटिव अप ट्रेंड में कमा सकते हैं या शॉर्ट सेलिंग में कमा सकते हैं, और बहुत बेहतरीन तरीके से लोग प्रैक्टिस वहाँ पे कर रहे हैं। और अगर ये तो मैंने आपको देखी कि आवरली पे कुछ भी अच्छा दिख नहीं रहा है, गिरावट की एक्सपेक्टेशन हम लगा के बैठे हैं और गिरावट और आ सकती है इसमें, देख लीजिए आप। लेकिन जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि एसबीआई के शेयर में अभी ऑलरेडी इतना गिर चुका है, तो मुझे लगता है कि 150 160 की रेंज ये बाइंग रेंज इसके लिए होने वाली है। 150 160 की रेंज काफी इंपॉर्टेंट रेंज होने वाली है, यानी कि करंट लेवल से 10-12% की गिरावट काफी इंपॉर्टेंट, ये जोन आप याद कर लीजिए, काफी स्ट्रांग जोन एसबीआई के लिए है। एसबीआई के बाद देखते हैं बजाज फाइनेंस को, बजाज फाइनेंस वन ऑफ द टॉप शेयर मैं कहता हूँ इसको। और वीकली पे देखिए इस शेयर को अगर हमने देखा कि बहुत ही तेजी से ये उछला है, और इससे पहले भी हमने बात करी थी कि स्टॉक में जो गिरावट की सीमा हम लगा रहे हैं ये वीकली के 200 वीक्स का एसएमए है, उसके पास जरूर है, लेकिन अभी हमने जो बात करी थी 1700-1800 की रेंज वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, वो यही रेंज है। देखिए ये 1700-1800 की रेंज काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है बजाज फाइनेंस के लिए, तो ध्यान से। और बजाज फाइनेंस को अगर आप अभी देखोगे तो कोई पॉजिटिविटी यहाँ पे है नहीं, बिल्कुल नेगेटिविटी ही है शेयर में, सब कुछ बंद पड़ा है तो नेगेटिविटी होएगी होएगी। देखिए अब चलते हैं, अब बात करते हैं नेस्ले इंडिया की। ये मैं टॉप टॉप के स्टॉक्स आपको कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर्स आपको कवर करके बताया जाए। यहाँ पे नेस्ले इंडिया ऑलरेडी पॉजिटिव आ चुका है, हायर हाई ऑलरेडी बन चुका है, और ये जो करेक्शन है ये सब एंट्री के मौके आपको देखने को मिलेंगे। और जैसे ही यहाँ पे आपको पॉजिटिव साइड में मोमेंटम मिलेगा, इसमें लोग बहुत से धड़ल्ले से इन्वेस्ट करेंगे। आपने देखा कि किस जगह जब ये नीचे गया खूब बाइंग यहाँ पे हुई है, मतलब नीचे गिरते ही लोग इसमें बाइंग कर रहे हैं, एफएमसीजी के शेयर्स ये है। इसमें आप ज़्यादा गिरावट की एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते, मैं पहले से ही बता रहा था कि एफएमसीजी इज़ द डिफेंसिव जो है सेक्टर होता है पूरे शेयर मार्केट का, क्योंकि यहाँ पे भाई खाने पीने के सामान की जरूरत जो है वो पड़ती रहती है। नेस्ले के अलावा हम चलते हैं डीमार्ट की तरफ। डीमार्ट देखिए पहले स्टोर्स बंद हो चुके थे, अब स्टोर्स खुल चुके हैं, तो पॉजिटिव बात है डीमार्ट के लिए। और जिस तरीके से हमने एक्सपेक्टेशन यहाँ पे रखी थी कि 1700-1800 की रेंज में आएगा और उसको ऑलरेडी ये टच कर चुका है, लेकिन बात करते हैं देखिए पॉजिटिविटी के, डीमार्ट में मुझे पॉजिटिविटी फिर से देखिए एकदम जंप लिया है, करेक्टिव एक्शन जरूर है, अब फिर से ये पॉजिटिव मोड देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो करेक्टिव एक्शन है ये जब यहाँ पे रिजॉल्व होगा धीरे धीरे, आपको पॉजिटिविटी यहाँ पे देखने को मिल सकती है, यानी कि हायर हाई ऑलरेडी बन चुका है, हायर लो बनने के बाद ये करेक्टिव रिजॉल्व होती है, इसमें तेजी आपको देखने को मिल सकती है डीमार्ट के शेयर में। तो अभी हमने बजाज फाइनेंस, एसबीआई, डीमार्ट, नेस्ले इंडिया देख लिया, एक स्टॉक हमारे पास रह गया वो है एशियन पेंट्स। एशियन पेंट्स को अगर मैं हम बात करते हैं, एशियन पेंट इज द चैंपियन शेयर ऑफ पेंट इंडस्ट्री, बट इस स्टॉक में मैं अभी और गिरावट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अब आप कहोगे क्यों, क्योंकि क्रूड जैसे तेजी से बढ़ता रहेगा तो इस स्टॉक में आप हैवी सेलिंग देखते रहोगे, और कहीं ना कहीं जो अभी रिसेंट लो इसने बनाया था 1400-1500 का, ये तो बहुत इजीली ये टच कर सकता है। पॉजिटिविटी इतनी ज़्यादा अभी इसमें देखने को मिली नहीं है। और अगर मैं बात करूँ वीकली लेवल पे, तो आप देख लीजिए कि ये जो इंपॉर्टेंट लेवल है 1000-1200 के इंपॉर्टेंट लेवल, ये काम आ सकते हैं आने वाले टाइम पे। तो ये अपडेट था, यहाँ पे हमने 5 शेयर की बात करी एक एक करके,
और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में जरूर आया होगा। और यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ मैं टॉप के 100 स्टॉक्स को कवर करने की। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं कर तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। साथ में आप अगर टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हो तो ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।